रोना बंद करो, प्लीज़ रोना बंद करो, प्लीज़ ऐसे रोना मत करो यार, मुझे अजीब लग रहा है, रो नहीं ना यार, हो जाएगी ना दर्द ठीक यार। तो रोने से क्या होगा यार, तुम रो ऐसे करोगी रोगी यार, तो मेरे को भी अजीब लग रहा है यार, प्लीज़ रोना बंद करो, प्लीज़ आराम आराम। यार मेरी बात सुनो, ऐसे कैसे बैठ गए नीचे यार, पागल हो तुम, साइड पे बैठो ना कहीं, उठो उठो आराम से यार, उठो ना फिर, जरा इधर आओ। इतना डरती हो धूप से। यहाँ से पत्नीटॉप अभी है 105 किलोमीटर। हे गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सब, होप करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर पे। थैंक यू सो मच गाइस, दिल से आजकल इतना सारा प्यार कर रहे हो, इतना सारा सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे हमेशा करते रहो। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था, संडे राइड पत्नीटॉप की होने वाली है, तो भाई फाइनली आज मैं और सोबिया पत्नीटॉप जा रहे हैं। आज का व्लॉग ना काफी मजेदार रहने वाला है। सोबिया तो मान नहीं रही थी क्योंकि उसको पेन था, आपको पता, स्कूटी से गिरी थी। मैंने उसको ज़बरदस्ती मनाया, मैंने उसको बोला आराम आराम से चलेंगे, बट पत्नीटॉप जाना ही जाना है। थैंक यू सो मच यार, आपने 149K कर दिए, बस 1K बचते 150 होने को। जैसे मेरे 150 होंगे तो मेरा व्लॉग सीधा मॉडिफिकेशन का आएगा। जो चैनल पे न्यू है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा दो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो फाइनली गाइस निकल गया मैं घर से, एंड एक चीज आपने आज नोटिस की होगी, आज मैं अपनी चम्मक चलो लेके नहीं आया, जावेद भाई की आरएस लेके आया। भाई बिल्कुल फ्रेश बाइक है, बिल्कुल न्यू बाइक है। गाइस ये बाइक मैंने इसलिए लाई क्योंकि थोड़ा लंबा सफर है पत्नीटॉप का, कंफर्टेबल होके जाएंगे, क्योंकि आरएस जो बाइक है ना ये बैठने में कंफर्टेबल है। तो गाइस आज ना मतलब बहुत मजा आने वाला है भाई, आज का व्लॉग काफी मजेदार बनने वाला है। एंड यहाँ पे आरएस को थोड़ा सा भगाएंगे भाई, क्या बात है भाई, कसम से भाई बहुत मजा आ रहा है आज आरएस चलाने में, अच्छा कंट्रोल है यार इस बाइक का भी। सुबह सुबह ना बहुत ज्यादा जाम होता है, आज संडे है ना फिर भी बहुत ज्यादा जाम है यार। अब चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप, पेट्रोल भराते हैं, उसके बाद चलेंगे सोबिया को पिक करेंगे। भरा लेते हैं यहाँ पे पेट्रोल। जावेद भैया देख लो टैंकी फुल करवा ली है मैंने, ठीक है बाद में नहीं बोलना पेट्रोल नहीं डाला मैंने। अभी चलते हैं सीधा सोबिया को पिक करते हैं एंड निकलते हैं, हमारी पहली राइड हो रही है जो थोड़ी लंबी हो रही है। ठीक है सोबिया आ गई है, तो हेलो क्या हाल चाल है आपके, ये क्या दूल्हन बन के आई हो, जरा इधर आओ। इतना डरती हो धूप से, इतना ज्यादा। गाइस देख रहे हो ये बाइक कजन की है जावेद भैया की, तो मैंने सोचा यार इस पे आप कंफर्टेबल होके बैठोगे, दूर जाना है तो मैं कोई दिक्कत नहीं चाहता, देखो कितना सोचता हूँ मैं आपके लिए। चलो जरा टाइम वेस्ट नहीं करते, निकलते हैं निकलते हैं निकलते हैं। वैसे सुंदर लग रही हो बहुत ज्यादा, तो भाई धूप बहुत ज्यादा हो रखी है। सोबिया ने कैसे चुन्नी बांध दी है यार, लड़कियां ना बहुत केयर करती हैं अपनी, लड़के उतना ज्यादा नहीं करते। आज मैंने भी अपने बाजू को ये लगा दिए है भाई, चलो कुछ ना कुछ तो भाई फायदा होगा इनका। इस कसम से इतनी ज्यादा धूप है ना भाई, मैं सोच रहा हूँ गलती कर दी इस टाइम निकल के, सुबह जल्दी निकलना चाहिए था, वैसे हमने जल्दी ही निकलना था बट सोबिया की वजह से थोड़ा लेट हो गया क्योंकि इसको सुबह भी पेन था। बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे क्योंकि यार मैं नहीं चाहता रास्ते में कोई दिक्कत हो। यहाँ से पत्नीटॉप अभी है 105 किलोमीटर, मतलब कितना टाइम हमें लगेगा यहाँ से वो हमें पता नहीं है क्योंकि हमने चलना है बिल्कुल स्लो स्लो। यहाँ पे ज्यारत डाल देते हैं उसके बाद यहाँ से आगे निकलते हैं, तो अभी देखते हैं आगे का सफर हमारा कैसा रहता है भाई। क्या हुआ क्या हुआ, कैसे दर्द हो रही है, ठीक तो थे तुम? कहाँ ठीक थी, बोला नहीं था दर्द थोड़ी थोड़ी, अब बैठने से ना हो रहा है। तो यार ये बाइक भी मैंने इसलिए लाई थी, कंफर्ट है, आराम आराम से चलेंगे, बैठो आराम आराम से चलेंगे, बैठो। भाई साहब गाड़ी वाले देखो कैसे निकलते हैं। क्या हाल चल, बढ़िया की छोटू भाई, क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं सब्सक्राइबर, बहुत अच्छा लगता है गाइस ये सब देख के। थैंक यू सो मच, आपका प्यार आपका सपोर्ट है, बस ऐसे बनाए रखो यार। धूप इतनी कड़क धूप है ना सीरियसली यार, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे सोबिया की फिक्र है। गाइस अभी एक ही चीज का डर है कि सोबिया को ज्यादा पेन नहीं होना चाहिए, जब लास्ट टाइम पेन हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, इसको बाइक पे भी नहीं बैठने आ रहा था। गाइस होप्स हो कि ज्यादा पेन ना हो सोबिया को, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी राइड खराब हो भाई, मैं बहुत खुश हूँ ये राइड करते टाइम, बहुत मजा आ रहा है इस राइड पे। गाइस ट्रकों की लाइन देख रहे हो कितनी ज्यादा लगी हुई है, मुझे लगता है ये जो ट्रक्स वगैरह है ना इनको रात को ही छोड़ते हैं और दिन को ये साइड पे लग जाते हैं। लॉन्ग राइड करने का एक अलग सा मजा आता है भाई। हम कंटिन्यू जम्मू में व्लॉग कर रहे थे तो आज हम थोड़ा निकले भाई बाहर, इस पहली बार सोबिया को मैं इस साइड लेके आया हूँ, ऐसा जाम रहा ना तो फिर हमें बहुत टाइम लग जाएगा भाई यहाँ से पत्नीटॉप पहुँचने में, वापस भी आना है अभी, ये सब इतना जाम रहा तो मुझे लगता है यहाँ से ही हम शाम को पहुँचेंगे। यार मैंने सोचा नहीं था कि संडे को इतना ज्यादा जाम होगा यार, इसलिए मैंने संडे को प्लान किया था। सोबिया चलाओगी बाइक, चलानी है, ऐसे तो हर टाइम बोलती रहती हो मुझे बाइक चलानी है मुझे बाइक चलानी है, अभी क्या हुआ? गाइस सोबे ने फिर से रोक दिया यार, इसको पेन हो रहा है, कुछ ज्यादा ही पेन होने लगा इसको,
यार मेरे को समझ नहीं आ रही है क्या करूँ, मतलब इसको बैठने भी नहीं आ रहा बाइक पे। यहाँ व्यू पॉइंट पहुँचने वाले हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करेगी उसके बाद निकलेंगे यहाँ से आगे। गावा गावा, बस पी लो जूस पी लो फिर निकलते हैं। यार मुझे पता होता ना कि इतना ज़्यादा पेन होगा इसको, तो मैं नहीं लाता इसको साथ आज। यार एक तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, कल इतना अच्छा मौसम था, परसों भी इतना अच्छा मौसम था, बट आज देख लो इतनी ज़्यादा धूप है ना। पहुंच गया व्यू पॉइंट पे और यहाँ पे देखो यार आज कितने सारे लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है आज यहाँ पे। सो हो गया टूल टैक्स भी क्रॉस। सोबिया को मैं अभी ना मतलब फोर्स करके ही ले रहा हूँ इधर से, क्योंकि इसको पेन है यार बहुत ज़्यादा। गैस ये वादियाँ देख रहे हो यार, यहाँ पे आके ना एक अलग सा फील आता है भाई, यहाँ पे ना एक अलग सी वाइब आती है। मैं और सोबिया पहली बार आ रहे हैं भाई यहाँ पे साथ में, तो अभी एंटर करते हैं हम टनल्स। आहिस्ता तो चल रहा हूँ यार, डरो मत गाइज। अभी अगर मेरी बाइक में एग्जॉस्ट लगा होता ना फिर तो बहुत मजा होता है। गाइज देख रहे हो हम दुमेल पहुंचने वाले हैं एंड अभी तक ट्रकों की लाइन खत्म नहीं हुई है भाई। क्या हुआ अब यार, इधर आओ ना आगे, क्या हुआ क्या दर्द हो रही है? मतलब यार क्या इतना क्या हो गया यार, ज्यादा पेन हो रही है, फिर मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ वापिस? फिर मैं एक काम करता हूँ तुम्हें छोड़ के आता हूँ वापस, मैं आज मैं अकेला जाऊँगा। यार सोफिया को ज़्यादा ही पेन होने लगी यार, अब क्या करें वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना यार मतलब इतनी मुश्किल से मैंने इसको यहाँ तक लाया, मतलब ये रास्ते कम से कम इसने 10 बार रेस्ट किया। अभी यहाँ से पत्नीटॉप कम से कम मुझे लगता है अभी आधा सफ़र भी हमने नहीं किया है, तो अभी इतना मुझे नहीं समझ आ रही है कैसे ये चल पाएगी। वो फिर ज़्यादा पेन हो जाएगी और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं नहीं चाहता और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं एक काम करता हूँ गाइज़ मैं इसको घर पे ड्रॉप कर लेता हूँ। तो अब बैठो ना, रेस्ट करोगी? फिर एक काम करो ना, आप पहले रेस्ट करो थोड़ा टाइम, उधर बैठ जाओ, तो कम से कम आधे घंटे के बाद यहाँ से निकलते, थोड़ा आपको रिलीफ होगा ना, उसके बाद वापस ही निकलेंगे, ठीक है? मेरी बात सुनो, घर ही जाएंगे, थोड़ा सा वेट करो ना, थोड़ा सा रेस्ट करोगी तो थोड़ा फिर बाइक पे बैठ पाओगी ना, थोड़ा सा रेस्ट करो फिर बाइक पे बैठ पाओगी, मैं वापस छोड़ दूंगा घर पे। यार मेरी बात सुनो, ऐसे कैसे बैठ गए नीचे यार, पागल हो तुम? साइड पे बैठो ना कहीं, तो जा रहे ना वापस ही जा रहे हैं, उठो, ऐसे रोड में नहीं बैठो, उठो मैंने कहा, घर ही जाना, थोड़ा रेस्ट करोगी थोड़ा रिलीफ होगा फिर चलेंगे ना, ऐसे कहाँ पे रोड पे बैठी हुई हो यार, क्या ऐसे बैठ गई हो पागलों की तरह रोड में? उठो उठो दो हैंड, साइड पे बैठो, उठो दो दो, उठो उठो आराम से, उठो उठो उठो, चलो उधर बैठो, आओ उधर, चलो उधर बैठो साइड पे, आओ चलो आराम से। अभी होप्स हो के अच्छे से घर पहुंच जाए यार, अब रास्ते में इसको फिर से दर्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी घर ही जा रहे हैं, घर पे जाएगी यार रेस्ट करेगी, अगर ये एक दो दिन रेस्ट करेगी उसका आराम हो जाएगा। मैंने सोचा था यार कि नहीं होगी ज़्यादा प्रॉब्लम, इसने पहले ही मना किया था कि यार नहीं जाते हैं मेरे को पेन है, मैंने सोचा क्या पता नहीं हो दर्द, अगर मेरे को पता होता ना कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रास्ते में हो जाएगी तो मैं कभी इसको साथ लेके नहीं आता, बट चलो जो होना था हो गया, तो अभी निकलते हैं हम यहाँ से वापस ही। ये लो जूस पी लो, जूस तो पी लो फिर निकलते हैं, पियो, चलो बैठो बैठो, चलो। अब बहुत दुख भी लग रहा है कि राइड कैंसिल हो गई, तो वापस तो जाना था, अभी मैं इस हालत में सोफिया को ले जाता तो राइड का मज़ा भी नहीं होता एंड वहाँ पे हम इंजॉय भी नहीं कर पाते। कोई मसले वाली बात नहीं है, जैसी सोफिया एकदम ठीक हो जाएगी उसके बाद हम पत्नीटॉप की राइड करेंगे। मुझे एक ही चीज़ का डर है, अभी इसको ज़्यादा पेन नहीं होनी चाहिए जब तक हम घर ना पहुँच जाए। हाँ जी भैया, अरे मेरी जान, ये देख लो ये बैठे हुए, नहीं बैठे होते आपको पक्का लिफ्ट दे देते। ओके ब्रो, कोई चक्कर नहीं। पहुंच गए वापस टनल्स में, धूप बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा धूप है यार, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस धूप से। अभी रुको रुको थोड़ा यार, अब क्या हो गया, चल रहे ना आराम आराम से, हाँ अब हुआ क्या मुझे बताओ ना, फिर से पेन हो रहा है? उतरो, अच्छा बैठो यहाँ पे ठंडा, यहाँ पे रेस्ट करो थोड़ा। क्या हुआ यार, इतना पेन हो, तुम रोने लगे? सोबिया अभी पहुंच जाएंगे यार, मेरी बात सुनो, अभी पहुंच जाएंगे, उठो आराम से बैठो, सब ठीक होगा, उठो। आई नो दर्द हो रहा है यार, लेकिन अब रोने से कुछ होगा? रोना बंद करो प्लीज़, रोना बंद करो प्लीज़, ऐसे रोना मत करो यार, मुझे अजीब लग रहा है, रो नहीं ना यार, हो जाएगी ना दर्द ठीक यार, बैठो बैठो आराम आराम से चलेंगे प्लीज़। यार सीरियसली सुबह मेरे को पता होता ना मैं कभी नहीं यार लाता तुम्हें आज। अच्छा प्लीज़ रोना बंद करो ना, आई नो तुम्हें पेन है यार, प्लीज़ रोना बंद करो, प्लीज़ रोना यार, पहली बार तुम्हें ऐसे आंसू देखे मैंने यार, बैठो
अच्छा रेस्ट कर लो थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हैं यार फिर निकलते हैं। सीरियसली मुझे अब गिल्ट हो रहा है कि इसको साथ क्यों लाया, मुझे पता होता ना कि इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी मैं कब भी इसको साथ नहीं लाता। हाँ जी पानी नहीं है, पानी नहीं होगा सर। ओके ओके सर। तो अभी सच में गिल्ट फील हो रहा है यार कि मैंने इसको ला के ना मतलब गलती कर दी यार, अभी इतना पेन हो रहा है यार इसको रोते टाइम ना। गाइस सीरियसली ना इसको पहली बार रोते देखा है मैंने और मुझे भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है। अभी ना बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ मैं क्योंकि सोब्या को यार अभी रोते देखना मुझे सीरियसली हर्ट हुआ यार और गिल्ट फील हो रहा है कि यार इसको दर्द हो के मैंने इसको फोर्स करके नहीं लाना चाहिए था। अभी आगे गए इस मैगी पॉइंट पे, यहाँ पे कुछ खा लेते हैं क्योंकि सोबिया को यार भूख लगी हुई थी। आगे हमारी मैगी, तो चलो आप बन जाओ फिर से दुल्हन तो तुम्हें धूप ना लग जाए, चलते हैं। चलो फाइनली गाइज हम पहुंच गए वापस सिद्रा एंड अभी यहां से चलेंगे हम सीधा सोबिया को इसके घर पे ड्रॉप करेंगे। यार इस रोड पे मैं जब भी आता हूं ना यहां पे बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहां पे ना हमेशा ठंडा ठंडा रहता है क्योंकि यहां पे पेड़ वेड़ बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए सोबिया को करेंगे यहां पे ड्रॉप तो उसके बाद निकलेंगे भाई हम अपने घर। लूँगा सुनो अभी है ना थोड़ा आराम, अंदर घर पे तो नहीं छोड़ के आऊँ, चली जाओगी यहाँ से? ठीक है जाओ, अपना ख्याल रखना, रेस्ट करना एंड अगर ज़्यादा पेन वगैरह हुई ना तो चले जाना मम्मा के साथ डॉक्टर के पास, ठीक है? मैं तो गाइस कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, हमारी राइड? होप सो कि अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को अच्छे से प्यार देना, लाइक शेयर कमेंट कर लेना। चलो मिलते हैं प्यारी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।